विंटेज कोलकाता से ज़्यादा भी कुछ खूबसूरत है क्या? दरअसल इस शहर की हर इमारत और हर गली एक अलग फसाना बयां करती हैं। फसाने कुछ फिरंगी लिख गए, कुछ तो आज़ादी के जबाज लड़ाकों के खून से लिखे गए और कुछ बाशिंदों ने लिख दिए जो यहीं के बनकर रह गए। अब जब बात बाशिंदों की हो ही रही है तो चलो बड़ा बाज़ार का रुख करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा बाज़ार के जकारिया स्ट्रीट में मौजूद है ये बेहतरीन नखोदा मस्जिद, जिसे कि गुजरात के कूची मेमन कम्युनिटी के लोगों ने बनवाया था। देखिए, नाखुदा फारसी शब्द है और नाखुदा के मानी होते माझी, जो जहाज़ चलाता है, जो नौका चलाता है, जिसको माझी कहते हैं। जिस टाइम में ये मस्जिद बनी थी, अंग्रेज़ की हुकूमत थी और उस टाइम में इंडिया की जो सरकारी ज़ुबान थी वो फारसी ज़ुबान थी। तो इसी निस्बत से और जिन लोगों के सुपरविज़न में ये मस्जिद बनी थी उनकी जहाज़ चलती थी, तो इस निस्बत से उन लोगों ने इस मस्जिद का नाम नाखुदा रखा है। इस मस्जिद को सन 1926 में मुकम्मल करवाया गया था और तब से लेके आज तक मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी इस मस्जिद के दूसरे इंडियन इमाम हैं। तो क्यों ना उनके इल्म से इस मस्जिद की तारीख से थोड़ा रूबरू हो लें। इस मस्जिद का हिस्ट्री, ये जो नाखुदा मस्जिद है, यहाँ इससे पहले दो छोटी छोटी मस्जिद थी। एक के मुतवल्ली थे रोशन हक्काक, दूसरे की मुतवल्लिया लेडी थी शमसुन्निसा बेगम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के फादर थे मौलाना खैरुद्दीन साहब, वो इस मस्जिद में जुमा के दिन जुमा की नमाज़ के बाद उनका स्पीच होता था। तो उन्होंने मशवरा दिया था कि ये सेंट्रल कलकत्ता है, यहाँ एक जामा मस्जिद होनी चाहिए। तो उनके जो मानने वाले थे उन लोगों ने कहा कि आप जो है दोनों मस्जिद हमारे हैंडओवर करवा दीजिए, तो हम यहाँ जामा मस्जिद हम लोग बनवा देंगे। तो मौलाना ने जब दोनों ट्रस्टी से बात किया तो वो लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए और फिर ये मस्जिद जो है बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। पहले जो इसकी प्लानिंग थी, राबिंदा सरानी से राजमोहन स्ट्रीट तक, जकरिया स्ट्रीट से ताराचंद स्ट्रीट तक, ये स्क्वायर जगह है। लेकिन हमारे पीछे जो बिल्डिंग है, ये गौहर जान की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी उस टाइम की सुपरस्टार डांसर थी वो। तो उससे कहा गया कि ये बिल्डिंग तुम बेच दो मस्जिद में, तो उसने कहा नहीं, बेचेंगे नहीं, हम डोनेट करेंगे। बेशक इस्लाम के कायदे और तरतीब के पाक पहरे में इस मस्जिद में दिन में 5 दफ़ा नमाज अदा करी जाती है, और नमाज के दरमियान यहाँ क्या माहौल होता है ये मोहम्मद आतिफ रज़ा से बेहतर शायद कोई ना बता पाए। इन्होंने अपना बचपन जो गुजारा है यहाँ। माई नेम इज़ मोहम्मद आतिफ रज़ा एंड आई एम द रेसिडेंट ऑफ दिस एरिया ओनली, जकरिया स्ट्रीट। फ्रॉम द चाइल्डहुड आई यूज्ड टू कम हियर इन दिस मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर एंड offering prayer is one of the 5 pillars of Islam. Offering namaz is one of the pillar, and namaz is the things which is mandatory in Islam. You have to offer namaz 5 times a day, and this gives you strength, power and channel to connect God and to tell your problems. You can get a solution from the government, God. In this area, which we are very from childhood used to come, my father used to take me in this mosque and we offer namaz. Even there is so much crowd is there, we used to offer namaz in the stairs. We don't have space to get, because in the childhood the children used to get stairs to offer namaz. Okay. Okay, so how much people do come here every day, at every day basis or at Friday? Friday there is a full capacity, and you will find full capacity on Friday, and in the usual day you will find first floor and second floor will be full at least. जुम्मे के दिन यहाँ लगभग 18,000 लोग नमाज अदा करने आते हैं। लोगों की भीड़ पूरे मस्जिद के आसपास के इलाकों में लग जाती है। रोज़ाना 5 टाइम नमाज होता है, एक टाइम में कम से कम 1,000 आदमी रहते हैं। तो समझ लिए दिन में, एक दिन में 5,000 आदमी लमसम मान करके चलिए। फ्राइडे में तकरीबन जो अंदर का हिस्सा है इसमें तकरीबन 15,000 आदमी आते हैं हर फ्राइडे। हाँ, फिर उसके बाद रोड पे यहाँ से बहुत दूर तक जमात होती है, इधर कोलू टोला चली जाती है जमात, या आपको मंदिर स्ट्रीट तक चली जाती है। तो वो तो एक अलग है, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। मस्जिद के अंदर जितने लोग आते हैं वो मैं बता दूँ। अच्छा,
इसकी तामीरियत भी कुछ ऐसी है कि या तो ये चारों ओर से किसी ना किसी एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट को रिजेंबल कर रही है और या तो अपने आप में ही एक मुख्तलिफ पहचान बयां कर रही है। इसमें जो है जो भी इसका आर्किटेक्ट है ये मुख्तलिफ आर्किटेक्ट का एक मजमूआ है, मुख्तलिफ आर्किटेक्ट को इसमें लिया गया है। जैसे इसका मेन दरवाज़ा देखेंगे तो बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी का है वैसा है। इसका आप सामने का ये इस अंदर आंगन की तरफ से जो मेहराब है उसको आप देखेंगे तो वो आपको बुखारा समरकंद जो रसिया में है जामा मस्जिद उसका नक्शा है। ये आप अंदर जब मस्जिद के जहाँ पे इमाम खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ाते हैं वो जगह को देखेंगे वो ताजमहल का उसमें आर्किटेक्ट किया गया है। ऊपर का हिस्सा जो आप देखेंगे जो कलश बना हुआ है वो ताज लाल किला से उसको ये किया गया है। तो इस तरह बहुत सारे आर्किटेक्ट को इसमें जमा करके उसका एक मजमूआ बनाया गया है। और इसका जो पूरा नक्शा है जो इसका मस्जिद का पूरा जो नक्शा है उसको जब आप बाहर से देखेंगे उस तरफ से पश्चिम और दक्षिण के तरफ से तो बिल्कुल ऐसा मालूम होगा जैसे जहाज़ है, पानी जहाज़। आर्किटेक्चर पर अगर और गौर फरमाएं तो यहाँ मौजूद हैं ये मीनारे जिस पर चढ़ने की इजाज़त तो अब नहीं मिलती पर इसके ऊपर से पूरे कोलकाता शहर का दीदार एक बार में होता है। नकोदा मस्जिद ईस्टर्न इंडिया के प्रिंसिपल मस्जिद होने के साथ साथ उन इमारतों में भी शामिल है जिनसे कोलकाता शहर की खूबसूरती बरकरार है।